हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे टीजी टू न्यू एक्सटेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर का यानी कि पार्ट टू होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग चेक कर लीजिए, वहाँ से सारा वीडियो आप लोग को नंबर बाय यानी कि चैप्टर बाय मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है, यानी कि कम्यूटेटर क्या कह रहा है, कम्यूटेटर कम्यू यानी कि टेटर और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच, सेगमेंट और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच जो प्रयोग किया जाता है यानी कि माइका रहता है, क्या रहता है, माइका, जिसको अभ्रक कहते हैं, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, माइका या अभ्रक, ठीक है, लकड़ी जो दिया है तो लकड़ी का प्रयोग नहीं करते, ऑप्शन ए में, बी में दिया है रबर का, रबर का भी प्रयोग नहीं करते, नहीं संगमरमर का प्रयोग करते, ओनली पर जो प्रयोग किया जाता है यानी कि अभ्रक का, ठीक है, जिसको माइका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, डीसी जनित्र के कम्यूटेटर का कार्य है यानी कि कम्यूटेटर का कार्य किया है, ऑप्शन ए में दिया है वोल्टता को बढ़ाता है, तो दोस्तों ये वोल्टता को बढ़ाने का कार्य नहीं करता है, ठीक है। कम्यूटेटर की अगर बात किया जाए तो यानी कि एसी को भी डीसी में बदलता है और डीसी को भी एसी में बदलता है, ध्यान रखिएगा, एसी से भी डीसी और डीसी से भी एसी ये चेंज करता है अकॉर्डिंग टू परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है ना। ऑप्शन बी में दिया है एक दिशीय धारा देने में सहायक करता है, क्या करता है दोस्तों, यानी कि कम्यूटेटर का अगर एक और अगर कार्य की बात किया जाए तो यानी कि एक दिशा, ठीक है ना, एक लगातार स्थिति में यानी कि धारा को प्रोवाइड करता है यानी कि देता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। सी में दिया अर्ध तरंग परिशोधक की तरह कार्य करता है, तो ऐसा तो वर्क नहीं करता है और नहीं धारा की नियत रखता है, धारा को नियत भी नहीं रखता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनित्र के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए, ठीक है, यानी कि प्राप्त धारा कैसा होगा जो अगर आर्मेचर क्या कह रहा है, प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनित्र के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए, अगर यानी कि डीसी जनित्र के आर्मेचर को अगर स्लिप रिंग से जोड़ा जाए, ठीक है, तो उस टाइम जो यानी कि धारा होगा, उस टाइम जो दोस्तों यानी कि धारा होगा, ये धारा आपको यानी कि अल्टरनेटिंग होगा, क्या होगा, अल्टर यानी कि नेटिंग होगा, और वही अल्टरनेटिंग यानी कि करंट होगा जिसका यानी कि अगर वेव फॉर्म देखा जाए अल्टरनेटिंग करंट का, तो इस प्रकार से, ठीक है ना, यानी कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद फिर बदल जाएगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल पे जाने के बाद फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में बदल जाएगा, ठीक है ना, ये इसका यानी कि अल्टरनेटिव करंट का यानी कि चलने का तरीका है। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है अल्टरनेटिव करंट, राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, यानी कि किस गुण के कारण ब्रश के लिए यानी कि कार्बन प्रयुक्त होता है, ठीक है, किस गुण के लिए यानी कि ब्रश में जो है कार्बन का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए दोस्तों यानी कि कार्बन में किसका बात पूछ रहा है, यानी कि कार्बन का, अगर कार्बन की अगर बात किया जा रहा है तो कार्बन पे भी कुछ देखिए कार्बन का जो होता है मेनली इसका जो ताप गुणांक तो ऋणात्मक होता ही है, साथ ही साथ ये जो होता है दोस्तों ये अर्धचालक पदार्थ है, लेकिन अर्धचालक पदार्थ के कैटेगरी में ये इसको माना नहीं जाता है, ठीक है ना, ये नर्म भी होता है, उसके बाद लुब्रिकेटिंग भी होता है, सारा गुण इसमें है। ये में क्या कह रहा है यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक, ठीक है भाई, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, ये नर्म भी होता है साथ ही साथ यानी कि लुब्रिकेटिंग भी होते हैं, तो यानी कि इसका यानी कि सभी गुण है, ठीक है ना, कार्बन का जो दिया हुआ है तीनों गुण सभी राइट है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है यानी कि धारा घनत्व का मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रयोगिक है, यानी कि धारा घनत्व का, और देखिए दोस्तों यानी कि धारा घनत्व का बात कह रहा है, और धारा घनत्व जो है ये है आपको यानी कि लगभग में हम बता रहे हैं यानी कि 5 एम्पियर प्रति स्क्वायर मीटर, 5 एम्पियर प्रति स्क्वायर मीटर जो दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, ए में कह रहा है 15 एम्पियर प्रति स्क्वायर मीटर, ये तो ज़्यादा है भाई, 20 एम्पियर प्रति स्क्वायर मीटर ये भी ज़्यादा है, 0.5 एम्पियर स्क्वायर मीटर ये भी ज़्यादा है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, कौन से ब्रशों का प्रयोग यानी कि बड़ी क्षमता वाले जनरेटर के लिए होता है, ठीक है, बड़ी क्षमता के लिए, और बड़ी क्षमता के लिए जो यानी कि ब्रश प्रयोग किया जाता है उसमें
उसमें जो प्रयोग किया जाता है यानी कि तांबा का मिश्रण होता है। क्या होता है? तांबा एवं कार्बन का मिश्रण होता है। जो बड़ी क्षमता वाले जनरेटर है और जो ब्रश बनाते हैं वो तांबा एवं कार्बन का मिश्रण होता है। छोटी क्षमता के लिए यानी कि कार्बन का, यानी कि छोटे के लिए है ना, छोटी क्षमता के लिए जो यानी कि जनरेटर होगा उसमें कार्बन ब्रश का प्रयोग करेंगे। अगर बड़ी क्षमता का है तो उसमें जो प्रयोग करेंगे तांबा एवं कार्बन का मिश्रण का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। सी में दिया है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं लकड़ी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा समीकरण डीसी जनित्री के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि डीसी जनित्री का जो समीकरण है ये, ठीक है, वो हमको वो हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यानी कि ई बराबर जो होता है, ठीक है ना, ई बराबर जो होता है पी, उसके बाद फाइव एन और जेड और बट्टा में यानी कि 60 ए होता है, ठीक है ना। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि ई बराबर फाइव जेड बट्टा 60, तो फाइव जेड बट्टा 60 तो नहीं होता है। उसके बाद यानी कि बी में जो दिया हुआ है यानी कि जेड पी एन बटा यानी कि 65 ये भी नहीं होगा। सी में दिया ई बराबर पी फाइव एन बटा यानी कि 60 ए, तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किसमें? सी में दिया हुआ है राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि डी में जो दिया हुआ है यानी कि ई बराबर पी फाइव एन जेड, ठीक है, पी फाइव एन जेड तो होता है, लेकिन नीचे में जो होगा ओनली फॉर 60 ए होगा, क्योंकि यहाँ भी 160 ए दिया है, तो ये गलत हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्न में है निम्न किन तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि विद्युत वाहक बल जो निर्भर करता है वो ध्रुव की संख्या पे भी डिपेंड करेगा, गति पे भी डिपेंड करेगा और चालक की संख्या पे भी डिपेंड करेगा। तो यानी कि उपयुक्त तीनों जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि तीनों तथ्य पे ये डिपेंड करता है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यानी कि ये जो होता है ना, क्योंकि ये जो होता है सब पे डिपेंड करेगा, तभी विद्युत वाहक बल वो बनेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जनित विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि मशीन में ध्रुव की संख्या समान हो। लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग विद्युत वाहक बल, देखिए लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग विद्युत वाहक बल, सबसे पहले यानी कि लैप लिख लेने के बाद अब यानी कि वेव समझिए। देखिए लैप में जो होता है यानी कि समांतर पथ की संख्या ए बराबर में पी होता है, और वेव में जो होता है दोस्तों यानी कि ए बराबर में यानी कि टू होता है। तो इसमें जो होगा दोस्तों यानी कि विद्युत वाहक बल इसमें यानी कि वेव में ज़्यादा होगा, जबकि लैप में क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जितना पुल की संख्या है उतना ही यानी कि समांतर पथों का संख्या होगा, इसलिए उसमें विद्युत वाहक बल कम होगा और वेव वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल यानी कि ज़्यादा होगा। तो यानी कि उसके अपेक्षा पूछ रहा है, तो यानी कि इसमें जो होगा यानी कि ज़्यादा, ऑप्शन किस में दिया है ज़्यादा, तो कम तो नहीं होगा, ये जो होगा ज़्यादा, राइट आंसर होगा या इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। सी में दिया है बराबर, तो बराबर नहीं होगा और नहीं नगण्य होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यानी कि जनित्र का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि जनित्र का, ठीक है, यानी कि डीसी जनित्र का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित करेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि फ्लक्स, क्या कह रहा है ऑप्शन ए में, क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि फ्लक्स कह रहा है, तो फ्लक्स का तो प्रयोग करेंगे, फ्लक्स को भी परिवर्तित करके यानी कि इसका गति में परिवर्तित ला सकते हैं। जनरेटर की गति सी में दिया है यानी कि चालक पदार्थ, और डी में दिया है गति और यानी कि फ्लक्स दोनों, तो गति और फ्लक्स दोनों को अगर परिवर्तित किया जाए, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल भी क्या होगा यानी कि नियंत्रित हो जाएगा, यानी कि गति का भी यानी कि परिवर्तित करके या फ्लक्स का भी परिवर्तित करके, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया है गति और फ्लक्स दोनों। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि जनरेटर ने के अपने अवशिष्ट चुंबक तो खोने का कारण है, यानी कि जनरेटर जो है अपने अवशिष्ट चुंबक को कब खो देता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यानी कि ये जब अवशिष्ट चुंबक तो खोता है तो उसका जो मुख्य गुण की अगर बात किया जाए तो इसका यानी कि मुख्य गुण है ऑप्शन ए में कारण अधिक उत्तेजना, तो अधिक उत्तेजना के कारण यानी कि चुंबक अवशिष्ट चुंबक नहीं खोता है, नहीं हैमरिंग के कारण खोता है, नहीं कंपन के कारण खोता है, ओनली फॉर हैमरिंग के कारण भी नहीं यानी कि खोता है, ये जो खोता है हैमरिंग के कारण भी और ओवर हीटिंग के कारण भी खोता है, तो दोनों के कारण खोता है, ओनली फॉर ए के कारण ये नहीं खोएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्नलिखित यानी कि किस कमी के कारण जनरेटर विद्युत वाहक बल जनित करने में असमर्थ है, ठीक है, यानी कि किसके कारण यानी कि असमर्थ रहता है दोस्तों, यानी कि ये जो असमर्थ रहता है ये मैं कह रहा है यानी कि इसके अवशिष्ट चुंबक की क्षति हो गई हो, ठीक है भाई,
बी में कह रहा है घूर्णन की दिशा गलत हो, ठीक है ये भी बात सही है। सी में कह रहा है यानी कि क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक हो, ये भी ठीक है। यानी कि असमर्थ अगर की बात किया जाए तो यानी कि तीनों कथन यानी कि सही कह रहा है, या तो यानी कि अवशिष्ट चुंबक की क्षति हो गई हो फिर भी यानी कि क्या करेगा विद्युत वाहक बल जनित्र असमर्थ करेगा, है ना, जनरेटर जो है यानी कि असमर्थ करेगा, तो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनित्र के प्रकार है, यानी कि प्राइम मूवर के आधार पर कह रहा है, ठीक है, प्राइम यानी कि मूवर के आधार पर, ठीक है, प्राइम यानी कि मूवर के आधार पर। और दोस्तों यानी कि प्राइम मूवर के आधार पर यानी कि डीसी जनित्र के जो प्रकार है अगर मेनली रूप से अगर देखा जाए तो प्राइम मूवर के आधार पर जो यानी कि इसका प्रकार है हाइड्रो टर्बाइन भी होता है, ठीक है ना, सॉरी हाइड्रो नहीं होगा, हाइड्रो होगा, हाइड्रो क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि हाइड्रो टर्बाइन हाइड्रो होगा, ठीक है, हाइड्रो टर्बाइन भी होता है, गैस टर्बाइन भी होगा, उसके बाद डीजल यानी कि चलित भी होगा। तो यानी कि तीनों यानी कि प्राइम मूवर जो है ये तीनों प्राइम मूवर है, ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है डीसी जनित्र के कौन कौन प्रकार है अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान में रखा जाए, उत्तेजना प्रणाली को अगर ध्यान में रखा जाए तो डीसी जनित्र का जो प्रकार है, ठीक है, ये यानी कि पृथक उत्तेजित जनित्र भी होगा और स्वयं उत्तेजित जनित्र भी होगा, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड भी होगा और ओवर एक्साइटेड जनित्र भी होगा, तो यानी कि दोनों होता है, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों वाला जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र पृथक उत्तेजित हो, ठीक है, अगर पृथक उत्तेजित हो तो यानी कि क्षेत्र वाइंडिंग जो होगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि क्षेत्र वाइंडिंग जो होगा ये आपको यानी कि डीसी, ठीक है, बाह्य डीसी धारा द्वारा यानी कि क्या होगा, यानी कि उत्तेजित होगा, बाह्य डीसी धारा द्वारा उत्तेजित होगा, ऑप्शन किस में दिया है ये मैं कर अपनी धारा द्वारा, तो अपनी धारा द्वारा नहीं होगा, नहीं अल्टरनेटिव द्वारा होगा, ये जो होगा यानी कि डीसी द्वारा होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र स्वयं उत्तेजित है, यानी कि स्वयं उत्तेजित है, देखिए यहाँ पे कह रहा है स्वयं उत्तेजित, वो भी यानी कि क्षेत्र वाइंडिंग, और देखिए दोस्तों यानी कि क्षेत्र वाइंडिंग जो उत्तेजित होगा यानी कि अपनी धारा द्वारा, ठीक है, यानी कि अपनी धारा जो होगा, ठीक है, अपनी धारा जो होगा उसके द्वारा ही वो उत्तेजित होगा, ऑप्शन किस में दिया है डीसी द्वारा नहीं होगा, नहीं इसी द्वारा वो खुद का जो उसका धारा होगा उससे यानी कि वो उत्तेजित होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, राइट आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है स्वयं उत्तेजित यानी कि जनित्र का प्रकार है, यानी कि स्व उत्तेजित जनित्र है उसका कौन कौन सा प्रकार है, तो देखिए दोस्तों यानी कि इसकी अगर प्रकार की बात किया जाए तो श्रेणी भी होता है, उसके बाद संट भी होता है, और यानी कि मिश्रित, इसको यानी कि संट और कंपाउंड श्रेणी और संट को जोड़ के जो कंपाउंड बनता है उसी को यानी कि मिश्रित कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये यानी कि तीनों प्रकार होता है, इसका ऑप्शन किस में दिया है तीनों, ऑप्शन नंबर जो दिया है डी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है यानी कि सही कथन चुने, यानी कि सही कथन जो दिया हुआ है चार ऑप्शन में उसमें से हमको एक चूज करना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि श्री जनित्र की आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में सुजित होते एकदम होता है। बी में श्री जनित्र की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है, एकदम बनाई जाती है भाई। सी में कह रहा है श्री जनित्र को बिना लोड सुजित किए नहीं चलाना चाहिए, एकदम नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसका स्पीड यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए राइट आंसर यानी कि जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सभी सत्य है जो तीनों कथन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसमें से तीनों जो कथन दिया हुआ ए भी और बी भी और यानी कि सी भी, ये सभी यानी कि सही है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है यानी कि सत्य कथन चुने, सत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर में सुजित की जाती है, एकदम होता है। उसके बाद यानी कि बी में कह रहा है यानी कि संट जनित्र की फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है, संट का एकदम पतले तार से बनाया जाता है और टर्न की संख्या जो होता है क्या होता है यानी कि ज़्यादा होता है उसमें। सी में कह रहा है यानी कि संट जनित्र को लोड से सुजित करके चालू करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन यानी कि डी में दिया, यानी कि सभी यानी कि इसका जो कथन है यानी कि सही दिया हुआ है यानी कि संट के लिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है निम्नलिखित किस सूत्र द्वारा डीसी संट जनित्र का आर्मेचर धारा ज्ञात किया जाता है, तो आईए बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि वी माइनस, ठीक है, आईए बराबर जो होता है दोस्तों
क्या कह रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा डीसी संट जनित्र की आर्मेचर धारा ज्ञात की जाती है, यानी कि आर्मेचर धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि आर्मेचर धारा का आई ए बराबर में, ठीक है, आई ए बराबर में आई एल और प्लस में यानी कि आई एस एच होता है, ठीक है, यानी कि किसका पूछ रहा था, यानी कि आर्मेचर धारा का। अगर कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। तो ऑप्शन ए में दिया आई ए बराबर वी माइनस ई बटा आर ए, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। बी में दिया आई ए बराबर आई एल इंटू आई एस एच, आई एस एच नहीं होगा दोस्तों, ये जो होगा आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए ए में कह रहा है कार्बन ब्रश प्रयोग करने चाहिए, क्या कह रहा है ऑप्शन ए में, कार्बन ब्रश प्रयोग करने चाहिए। बी में कह रहा है इंटरपोल्स प्रयोग करना चाहिए, ठीक है भाई। सी में कह रहा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करनी चाहिए, यानी कि सही है, यानी कि स्पार्किंग को रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए सभी विधि का अगर प्रयोग करेंगे तो स्पार्किंग क्या होगा, यानी कि उससे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी कि उपयुक्त तीनों विधियाँ का प्रयोग की जानी चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि किसी डीसी संट जनित्र का अवशिष्ट चुंबक यानी कि खो जाए। अगर खो जाए तो दोस्तों ऑप्शन ए में करा है जनरेटर को शून्य लोड पर यानी कि कुछ समय तक चलाना चाहिए। बी में है संट फील्ड को कुछ मिनट के लिए यानी कि बैटरी से सेवित कर देना चाहिए। सी में जनरेटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित यानी कि कर देनी चाहिए। और डी में करा जनित्र को यानी कि कंपित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर पुनः प्राप्त करेंगे तो डीसी जनित्र का अवशिष्ट चुंबक यानी कि खो जाए, अगर इस स्थिति में ना, ठीक है, यानी कि खोने की स्थिति की अगर बात किया जाए तो संट फील्ड को यानी कि कुछ मिनट के लिए यानी कि बैटरी से स्विच कर देना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए।